चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, और इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की आपकी जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, उस बुक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं आपकी। और इससे पहले आपकी कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं जो आपकी स्टेट पीएससीएस और सिविल सर्विस के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि आपकी इन परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं एनसीईआरटी। एक तरह से आप समझिए कि जिस तरह से आप बिना नींव रखे किसी मकान को खड़ा नहीं कर सकते हैं, उसी तरह मुझे नहीं लगता है कि सिविल सर्विस आप निकाल सकते हैं बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए। तो समय रहते हुए आप लोग इन्हें कवर कर लें, और मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, 1 से 2 बार आप लोग पढ़िए। इसमें आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो आप समझ ना सकें, बस आपको धैर्य से पढ़ना होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की यही थी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ मिलेंगी। तो इस समस्या का समाधान कर दिया गया है, सभी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या वहां से देख लीजिए कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, और पढ़ते रहिए अपने आप से। हमें क्या है कि टाइम लगेगा, आप सोचिए कि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की सभी सभी कवर करवा दी गई है। 11वीं और 12वीं की बहुत एक तरह से ज्यादा इनका विस्तार भी है, और आप जानते हैं कि मेन बुक्स भी है, यही कवर करनी है आपको। तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इन्हें भी कवर कर देंगे। तो अपने आप से बहुत जल्दी कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक लगे रहें धीरे धीरे। तो इसमें आपके 3 चैप्टर हम लोग देख चुके थे, पहला राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा आपका था अध्याय 3 में समानता। आज बात करनी है हमें सामाजिक न्याय के बारे में। और एक आप लोग समझिए कि एक चैप्टर आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है कि आप अगर स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये तो वो चैप्टर है, वो टॉपिक है जिनके बारे में हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप लोगों को, यानी कि हर किसी को, 2 बातें मालूम चल जाए, एक अपने मौलिक अधिकार और एक अपने मौलिक कर्तव्य, तो हमारा देश, हमारा समाज बहुत आगे पहुंच जाएगा। चलिए पहले हम लोग सामाजिक न्याय के बारे में जान लेते हैं, अधिकार के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। प्रेम, प्रेम के बहुत से रंग हैं होते हैं, और आप भी प्रेम देखते होंगे, आपके भी आसपास बहुत रंग दिखाई देते होंगे। ये अलग बात है कि वो अलग प्रेम है, और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है। फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से यह समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहजानुभूत समझ होती है, हालांकि हो सकता है कि हम इसकी ठीक ठीक परिभाषा ना दे सकें। इस मायने में न्याय भी बहुत ही हद तक प्रेम जैसा है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भाव प्रवण अनुक्रियाएं पैदा करते हैं, और जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी कोई बुरा नहीं कह सकता है। और प्रत्येक इंसान अपने लिए कुछ और हद तक बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्तों का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। और इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीतिकल के लिए केंद्रीय महत्व की चीज है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े निम्न मुद्दों को समझने में सक्षम यानी कि सफल होंगे। क्या क्या समझेंगे हम लोग? आप न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय में सामने रखे गए। आप समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। हम रॉल्स के इस तरीके की चर्चा करेंगे कि निष्पक्ष और न्याय परक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है, और इसे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है? और याद रखिए, लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में ना आए। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्याय क्या है। आखिर तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है, भले ही उन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीके से की है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, और धर्म या फिर न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। एक अब की बात कर रहा जब राजा हुआ करते थे हमारे देश में, तो
चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ईसा पूर्व 4वीं सदी के एंथेस से यानी कि एंथेंस यूनान में प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा की है। सुकरात और उनके युवा मित्रों गिलाउकोन और एडिमंटस के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। उनका आकलन यह था कि जो अन्यायी है वे न्यायी लोगों से ज्यादा बेहतर स्थिति में, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं, झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। आपने आज भी लोगों की कोई ऐसी भावना व्यक्त करते हुए सुना होगा, ये भी आपने सही सुना होगा कि एक कहते हैं ना कि जो सीधा साधा होता है वही सबसे ज्यादा समय इस टाइम में पिसता है, वही पिछड़ता रह जाता है। एक तरफ आप देखिए कि अपने नेताओं को देख लीजिए, नेता बनने मुझे लगता है कि सबसे, अगर आपको शॉर्ट रास्ता चुनना है सफल का, पैसा कमाना है, तो इसी फील्ड में जाइए और किसी फील्ड में मत जाइए। आप अगर सिविल सर्वेंट बन भी जाते हैं तो आप सोचिए कितना कमा पाएंगे, आप क्या कर लेंगे। अगर आपकी इच्छा है ईमानदारी एक तरह से नहीं निभाने की, सही रास्तों पर नहीं चलने की, आपको लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस आपको सफल होना है, पैसा चाहिए, तो आप नेतागिरी एक तरह से करियर चुनिए, आप नेता बनिए, आप बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि कोई अन्यायी हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुंचे। इसलिए हमारा दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने। सुकरात ने स्पष्ट किया है कि हमें न्याय के अर्थ को और स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है, ताकि हम यह देख सकें कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि हम अपने मित्रों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें, या फिर अपने हितों के पीछे लगे रहें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है, जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार को ही जनता की भलाई की चिंता करनी चाहिए। जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति का उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है। एक बात और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आप सोचिए, आपके लोकसभा सदस्य, फिर आप देखते होंगे MLA यानी कि विधायक साहब, फिर आप देखते होंगे सरपंच साहब, ये व्यवस्था क्यों की गई थी? आपका ख्याल रखने के लिए, आपको एक तरह से आपकी जो समस्या है उनका निवारण करने के लिए, आपके साथ जो भी न्याय हो रहा अन्याय हो रहा है उसे भी न्याय करने के लिए। पंचायतें इसलिए बनाई गई जो पिछड़े लोग रह गए उन्हें मेन स्ट्रीम में यानी कि मुख्य धारा में जोड़ना, उनके पास तक भी शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पहुंचाना, उन्हें भी एक तरह से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरपंच साहब का तो विकास हो जाता है, लेकिन जनता कल भी गरीबी में थी, आज भी गरीबी में, और आने वाला समय भी मुझे लगता है इसी तरह रहेगा, क्योंकि हम भी जागरूक नहीं है न्याय के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये अधिकार आपको इतने आसान तरीके से नहीं मिल गए हैं, कभी इसके बारे में सोचिए, आजादी कितनी मुश्किल से मिली हुई है, कितने लोगों ने इसके लिए बलिदानी दी है, जिनकी खेलने खाने की उम्र थी 13 से 14 साल में, आप सोचिए शहीद हो गए देश के लिए, तो उनकी जान की कम से कम कीमत तो रखिए। किसी की कविता सुन रहा था कि वो कोई सलमान के गालों पर मर गया, कोई कैटरीना के किस पर मर गया बालों पर, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी कहते होंगे कि अब किन सालों के लिए मर गया, माफ करिए शब्द यूज करना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत है। आप सोचिए 70 से 80 साल, आप सोचिए कि जिसका बुढ़ापा चल रहा है वो आपके लिए लोकपाल की मांग करता है, सूचना का अधिकार दिलवाता है आपको, और आप चुपके से बैठे रहते हैं, वही है कि आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए दूसरा आगे आ रहा है। तो न्याय मुझे लगता है आपको खुद जान पाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि न्याय के लिए, आप सोचिए अपने घर में आप बीवी को पीट सकते हैं, उस पर चिल्ला सकते हैं, बच्चों को आप लोग चिल्लाइए, उन्हें मारिए, लेकिन आप सरपंच साहब के पास या किसी के पास नहीं जा सकते हैं कि हमें कोई रोजगार दिलाइए, हमारा भी अधिकार है, हमने वोट चुनना है आपको, ये आपके पास हिम्मत नहीं है। आपके घर में तो आपके पास पूरी गुंडागर्दी चल रही है, और आपके सामने क्या, सामने अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम भी चुप बैठ जाते हैं, हमें क्या मतलब है, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है कुछ।
आज से सोचिए, अगर उनके मन में भी यही होता, गांधी, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह हो, फिर चाहे विवेकानंद हो, कोई भी हो उस तरह का उस समय, तो वो भी यही सोचते तो आज भी हम लोग गुलाम ही होते। और आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि अगर किसी के साथ भी अगर कोई गाली गलौज कर रहा है, कहीं कुछ भी गलत हो रहा है, तो हम चुप निकल जाते हैं। इसे भी देख लेते हैं, क्या कहते हैं वे, कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दुष्टता झेलना बुरा है, लेकिन यह भी है कि भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है। इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं, जब वे किसी एक से बचने और दूसरे को पाने में सफल नहीं होते, तब वे सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी ना होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर होता है। यहाँ से कानून और आपसी प्रसंविधाएं बनती हैं, और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे ही कानून सम्मत और न्यायोचित कहा जाता है। आज भी आप देखें न्याय, देखिए कुछ भी आजादी, कितने भी आपको मौलिक अधिकार मिल चुके हैं, कोई भी अधिकार हो, कितने भी कानूनी प्रावधान लागू कर दिए गए हों, लेकिन जब तक कि आप लोग जागरूक नहीं होंगे कुछ नहीं उखड़ने वाला है। और आपसे बार बार बोल रहा हूं कि कभी भी जात पात, आप सोचें कि आप अपनी जाति का सुन रहा चुन रहा, वो कभी न्याय नहीं दिलाएगा आपको। आपके अगर बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो खुद निकल जाएंगे, उन्हें किसी के भिखारी की मदद की थोड़ी जरूरत है, किसी योजनाओं की, कि सरकार कुछ दे खाने के लिए। तो इतना आप लोगों को समझ लेना चाहिए, कम से कम चुप नहीं बैठना चाहिए, आंख बंद करके नहीं बैठ जाना चाहिए कहीं न्याय अन्याय हो रहा है तो। बोलिए, दो शब्द बोलिए, विरोध करिए उसका, और क्या उखाड़ लेंगे विरोध ना करके। मुझे लगता है कि आप चलिए मान लेते हैं 200 साल जी जाए, क्या मतलब रह जाएगा उसका जीने का। 10 दिन की जिंदगी है, सुख से जीना और कम से कम सच पर, सच के रास्ते पर चलना, यही एक तरह से अच्छा है। यह विचार है कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है। आज भी न्याय की हमारी समझ का महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। बहरहाल पिलोटो के जमाने की तुलना में आज यह समझ जरूरी जरूर बदलती है कि किसी व्यक्ति का प्रयास प्राप्य क्या है, यानी वह क्या पाने का अधिकारी है। आज न्याय की हमारी समझ इस समझ से गहरे में जुड़ गई है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राप्य क्या है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार हर व्यक्ति की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपने अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें, यानी कि हर किसी को जगह मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको हिस्सा लेने की छूट हो और दूसरे को उस दावेदारी में ना शामिल होने की ना हो। कहते हैं ना कि बार बार मैंने कहा है कि कितना भी आप मतलब एक तरह से समझदार हो, कितने भी आपके पास अनुभव हो, लेकिन तब तक वो धरा का धरा रहता है जब तक कि आपको अवसर ना मिले। आप सोचिए कि आप अपने प्रशासन को बेहतर चला सकते हैं, अपने क्षेत्र में जो भी आपके सरपंच साहब हैं उनसे बेहतर, कई गुना बेहतर आप काम कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं उस पंचायत को, लेकिन आपको अवसर मिले तब तो। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव की अगर बात करें तो हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्त कैसे दिया जाए। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं, उनमें से एक है कि समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत है। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। और आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, इसमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार, मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रिया में भागीदार बनाते हैं। आप जानते हैं कि आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 के तहत, समझ रहे हैं आप लोग। संपत्ति के अधिकार, देखिए पहले आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, ये कई बार बन चुका है क्वेश्चन, आपका कारण एक तरह से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों में से, ठीक है, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपको वोट देने का भी अधिकार है, समझ रहे हैं, आपको नेता को चुनने का अधिकार है, किस तरह के नेता को आप चुनते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। उन्हें उनके उनके काम और कार्य कलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए
और इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। इसलिए अगर भिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक ही काम करते हैं, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा बांटने का, उसमें उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यदि किसी के काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भिन्न जातियों के हैं, तो यह अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज्यादा वेतन मिलता है, तो यह फर्क भी नाजायज और गलत होगा। ये आपको अभी भी देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए आप जाइए, कहीं गांव में भी आप देख सकते हैं। मुझे लगता है, देखिए, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात तो आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि यहाँ आपकी सोच काम करेगी। आपको आंसर लिखने के लिए आ जाएगा सामाजिक न्याय क्या है, इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में भी आपको डालना होगा, दलितों के बारे में भी, और भी जो पिछड़े समूह हैं उनके बारे में भी आपको लिखना होगा। तो आप रट के नहीं कर सकती है, इसे आप लोग देखिए, स्थिति को जान सकते हैं, आप अपने परिवार से भी इसको सीख सकते हैं। तो तमाम उदाहरणों को जब भी आप लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आसपास की उसके जोड़कर अपने आसपास के वातावरण से देख लिया करिए एक बार। तो इससे क्या होगा कि एक लंबे समय तक आप याद भी रख सकते हैं, और लंबे समय तक क्या रहेगा, याद रखेंगे तो आप जब भी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तब आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे। और एक तरह से आप कहिए, बेहतर आंसर का यही मतलब है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, समानुपातिक न्याय। बहरहाल समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय हुआ। मसलन अगर आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएंगे, क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसे लगेगा? यहाँ आप ज्यादा यह उचित समझेंगे कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता और संभव हो तो इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के अनुसार अंक दिए जाएं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद, ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा कि लोगों को उनके प्रयास के प्रमाण्य और अर्हता के अनुसार अनुपात में पुरस्कृत करना। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि यूं तो लोगों को समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछित मेहनत कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक का निर्धारण और उचित और न्याय संगत होगा। अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो आपके लिए अलग वेतन रहेगा, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो इस हिसाब से एक तरह से निर्धारित की जाएगी उसकी जो भी मजदूरी होगी एक तरह से। और एक याद रखिए, सामाजिक न्याय का ये मतलब नहीं है कि हर क्षेत्र में ये लागू हो जाए, समझ रहे हैं आप लोगों को? ये वही एक तरह से, एक समझिए आप लोग की सही गलत क्या है, एक तरह से आप समझिए कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अपने मौलिक अधिकार तो पूरी तरह से लेना चाहें लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाए। फिर चाहे से आप उसी तरह से देखिए कि आप तो अपने, आजकल बड़ा प्रेम चलता है, उसमें आप देखेंगे कि आपने अपने प्रेमी को बड़ा प्यार किया, बड़ा भरोसा किया एक तरह से। और प्रेमी का मतलब आप कोई भी जोड़ सकते हैं, फीमेल मेल जो भी आपको, और उनका का क्या काम रहे कि वो आपके भरोसे का कुछ मतलब ना रहे आपके लिए, तो ये तो न्यायोचित नहीं है, समझ रहे हैं आप? इन मानदंडों का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज में कुछ कामगार तबकों को ऐसे कारकों के मद्देनजर निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए खनिकों, कुशल कारीगर अथवा पुलिस कर्मियों जैसे कभी कभी खतरनाक लेकिन सामाजिक रूप से उपयोगी पैसे में लगे लोगों को सदैव वह पारिश्रमिक नहीं मिलता जो समाज में कुछ अन्य लोगों को होने वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित हो। समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का अनुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बैठाने की जरूरत है। बात करते हैं विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। और एक बात और हमेशा याद रखिए, अब आप कहेंगे महिलाओं के लिए अलग एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, वो भी न्याय नहीं है एक तरह से, तुम कह दीजिए कि उन्हें क्यों दिया जा रहा है, उन्हें क्यों इस तरह की सुविधा की जा रही है, उन्हें स्पेशल कहीं भी छूट मिल रही है या कोई निचली जाति का या पिछड़ा एक तरह से वो उस मेन स्ट्रीम से जुड़ा ही नहीं था, तो आप वहां न्याय की बात कैसे कर सकते हैं? उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट और आप किसी हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। एक बात और हमेशा याद रख लीजिए आप लोग, सरकार को अगर लगता है कि इस वर्ग को ये छूटा रहा है, ये दबा कुचला रहा है, तब आपको एक तरह से न्याय मिलना चाहिए। फिर आप चाहे कहिए कि वो राष्ट्रपति बन चुके हैं,
हमें भी राष्ट्रपति बनना है, इसके लिए आप क्या चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये न्यायोचित नहीं है। वही है मैं बोलता हूँ ना कि आपको कोई क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है तो आपको दोनों पहलुओं को देखना चाहिए कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, समझ रहे हैं। अब कोई वीआईपी जिंदगी जी रहा है तो उसके लिए भी आप ही नहीं कह सकते कि उसकी संपत्ति को हमें दे दीजिए, इसके लिए आप चले जाए। एक तरह से आप कहिए कि आपकी अगर जिंदगी में कोई दखलंदाजी करता है या आपके सम्मान को ठेस पहुंचता है, जहाँ वहां आप सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान्य करते हैं वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का विवरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों की बुनियादी हैसियत और अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए जरूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव ना करना और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना भी यह सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त ना हो कि समाज में अपने जीवन के अन्य सभी संदर्भों में भी लोग समानता का उपभोग करें, या फिर कि समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाए। लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत को अनिवार्यता खंडित नहीं बल्कि उनका विस्तार ही करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में यह अंतर नहीं थे कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। आप लोगों को पीछे भी मैंने बताया था, आप सोचिए कि कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई किसी भी तरह से व्यक्ति है, उसे विशेष सुविधा दी जा रही है तो वो एक तरह से न्यायोचित है। वहां आप ही नहीं कर सकते हैं कि उसे भी जो सुविधा दी जा रही है आपको भी दी जाए, इसके विरोध भी आप न्यायालय नहीं जा सकते। एक तरह से आपको अपनी लिमिट समझनी चाहिए, समझ रहे हैं कि उसकी परिस्थिति क्या है आपकी परिस्थिति क्या है। आप अगर दोनों एक परिस्थिति में है तब आपके साथ अगर भेदभाव है तो तब आप कह सकते हैं कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा जो एक तरह से उनके वो हमारे बराबरी नहीं है, ठीक है। विशेष जरूरतों या फिर विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता की योग समझा जा सकता है। और आप लोग मौलिक अधिकार भी पढ़ते होंगे तब आपको अपवाद भी देखने को मिलता होगा कि महिलाओं को आरक्षण की बात की जाती है, ST/ST को आरक्षण की बात की जाती है, तो उसके मामले में आप न्यायालय कभी नहीं गए, कभी ना जा सकते हैं आप लोग, उन्हें विशेष प्रावधान किया गया, वहां अपवाद लिखा गया है एक तरह से, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होता है कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन समस्याओं असमानताओं को मान्यता दी जाए। शारीरिक विकलांगता उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। यह माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों के बहुत ऊंचे स्तर का उपभोग करने वाले और उत्पादक जिंदगी जीने के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोगों से हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने का परिणाम समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं बल्कि एक असमान समाज होगा। हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और उस समय आप लोगों को न्यायोचित भी रहता कि आप सोचिए कि आपकी जाति बराबर है उसकी भी जाति बराबर है, आप दोनों स्कूल में एक में ही पढ़ रहे हैं, आप दोनों एक ही बराबर परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, तो वहां आप जा सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप सोचिए कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति हो फिर चाहे आपकी ST/ST हो, ये लोग बहुत पीछे रहे हैं, इनके साथ आप देखिए कि बहुत पहले से अन्याय किया गया है। अभी भी आप देखिए इनके साथ समाज में देखते होंगे कि ST/ST या फिर महिलाओं के साथ क्या भेदभाव किया जाता है। ठीक है अगर आप अच्छी परिस्थिति में आ चुके हैं तो आप इससे बहुत ऊपर उठ चुके होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि अभी भी भेदभाव देखने को मिलता है आपको। यहाँ क्या बात कर रहा है, चिंतन मंथन ये करते रहिए आप लोग। नीचे दी गई स्थितियों की जांच करें और बताएं कि क्या ये भी न्याय संगत है। अपने तर्क के साथ यह भी बताएं कि प्रत्येक स्थिति में न्याय का कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। एक दृष्टिहीन छात्र सुरेश को गणित का प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3.5 घंटे मिलते हैं जबकि अन्य सभी छात्रों को केवल 3 घंटे मिलते हैं। इस मामले में भी आप लोग कहीं नहीं जा सकते, आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि उस बच्चे की अलग परिस्थिति है आपकी अलग परिस्थिति है। गीता वैसा की सहायता से चलती है, अध्यापिका ने गणित का प्रश्न हल करने के लिए उसे भी 3.5 घंटे का समय देने का निश्चय किया है।
एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के मनोबल को बढ़ा उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक देते हैं, ये गलत है। देखिए ऐसे प्रोफेसर अलग अलग छात्राओं को उनकी क्षमताओं के मूल्यांकन के आधार पर अलग प्रश्न पत्र बांटते हैं, ये भी गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद में एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि संसद की कुल सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए, ये बढ़िया कदम है। मुझे लगता है कि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, समझ रहे हैं आप लोग, तो लास्ट में अपना एक निष्कर्ष दे सकते हैं। आरक्षण पर सबसे बड़ा मुद्दा देखिए आप लोग, देश में बना हुआ है, सालों से राजनीति हो रही है, होती रहेगी, समझ रहे हैं, कुछ इसका ना समाधान है ना ही एक तरह से, यहां आप लोग कहिए कि तर्क भी तर्क चलता है, एक तरह से अब कोई मतलब भी तो नहीं है। तो आपके लिए आरक्षण पर अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो आप पहले उनकी स्थिति के बारे में लिखेंगे, फिर अपनी स्थिति के बारे में लिखेंगे, लास्ट में क्या बताएंगे, एक निष्कर्ष देंगे, यानी कि आप समझिए कि उसके आरक्षण के पक्ष में तर्क लिखेंगे, विपक्ष में भी तर्क लिखेंगे और लास्ट में अपना काम भी करेंगे, कह देंगे कि वो ठीक है आरक्षण मिलना चाहिए उनको। लेकिन आरक्षण के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें, आप सोचिए कि उन लोगों को भी आरक्षण देना चाहिए जो सामान्य जाति के होते हुए भी गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनकी इतनी मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकें, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। वो इसी क्षेत्र में आपने देखा है सरकार ने कदम भी उठाया है, वो 10% आरक्षण की व्यवस्था भी सामान्य जाति के लोगों के लिए की है, ठीक है, तो इसमें कोई दोहराव नहीं है, गलत सही है। और क्रीमी लेयर की एक अवधारणा बहुत बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारी स्थिति ठीक सुधर चुकी है, हम अपनी शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल ले सकते हैं, हर जगह अपनी सुविधा ले सकते हैं, तो हमें छोड़ देना चाहिए। ये सब्सिडी का भी यही मामला था ना, कि प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि आपकी स्थिति अच्छी है तो आप छोड़ दें, और बहुत से लोगों ने इसे छोड़ा भी था। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी बहस से यह संकेत भी दिया है कि सरकारें कभी कभी न्याय के उपयुक्त तीनों सिद्धांत, समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले सभी लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास तथा कौशलों को मान्यता देना और जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान के बीच सामंजस्य बैठाने में कठिनाई महसूस कर सकती है। समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। योग्यता को पुरस्कृत करने को न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ होगा कि हाशिए पर खड़े तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे, क्योंकि अच्छे पोषाहार और अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। यहाँ सीधा सा मतलब यही है कि आप सोचिए कि आप बेहतर स्कूल में पढ़े हैं, आपका परिवार इतना सक्षम रहा है कि दिल्ली से आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की मदद ले रहे हैं, आपके पास कोई कमी नहीं रही है। एक तरफ आप झोपड़ी वाले बच्चे को देखिए जिसके पास शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए दो वक्त के लिए रोटी के लिए सोचना पड़ता है, तो शिक्षा और ये स्वास्थ्य तो बहुत दूर की बात रही है। तो वहां आपकी योग्यता को अगर देखा जाए तो वो तो पिछड़े रह जाएंगे, समझ रहे हैं। इसे इस तरह से भी बांटा जा सकता है कि आपको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए और सामने वाले को, तब आप कह सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। देश के विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि वे न्याय के किस सिद्धांत पर बल देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह एक न्याय पर समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करें। और याद रखिए, इस तरह के सामाजिक न्याय के जो भी आरक्षण के मुद्दे हों, इस तरह की बातें हों, इन पर तर्क वितर्क दिया जा सकता है, कभी इसका ना तो निष्कर्ष निकाला जा सका है और ना ही निकलना संभव है। इसलिए आप लोग बेहतर यही है कि बड़े न्यूट्रल रहें, यानी कि बीच में रहें, ना तो आपको इस पक्ष में झुकना है ना ही उस में। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी रहती है क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना है। बिल्कुल ठीक है, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वह आंखों पर पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों को वैसे जरूरतों को कैसे देखेगी। अब बात करते हैं न्यायपूर्ण बंटवारा। तो समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इससे कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी हो, चाहे यह राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का। यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानता है तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो, जिससे नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। इसलिए किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है
कि ना केवल लोगों के साथ समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामले में भी कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है कि वह अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सके, वह स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। उदाहरण के लिए, हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया है। वह यह सुनिश्चित किया है कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से ना रोका जा सके। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार लागू करने जैसे कदम भी उठाए हैं। ये आज की बात नहीं है, इनके साथ बहुत बुरा, बहुत पहले से बर्ताव बुरा किया गया है। आप सोचिए, एक खास वर्ग को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, क्या वहां भी आप कहें कि ये सही बात है? तो ये तो अन्याय है एक तरह से, हम अपने ही परिवार में एक तरह से देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमारी और हमारी सिस्टर और हम दोनों VIP स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आरक्षण की, ना किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप इतनी सक्षम रहेगी। आप सोचिए कि मुझे बाहर भेजा जाता है, उसे घर में ही रखा जाता है, स्कूल वहीं आसपास पढ़ाया जाता है, तो वहां तो जरूरत है ना आरक्षण की, वो तो न्याय उसके साथ हो रहा है एक तरह से। तो इसमें सीधी सी बात है कि हम कभी भी एक निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं, कि हमें इसमें कई मुद्दों पर उलझे रहेंगे अगर इस तरह की बात की जाए तो। समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्यों, क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए? और यदि हाँ, तो क्या ऐसे मामलों पर मत भिन्नता समाज में उग्र भावादेश पैदा करती है और कभी कभी हिंसा भी भड़का देती है। लोग मानने लगते हैं कि उनके और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। हमें क्रोध और हिंसा के ऐसे भी मामले याद हैं जो कभी हमारे देश के शैक्षणिक संस्थानों में या फिर सरकारी नौकरियों में सीट आरक्षण के प्रस्ताव से उठते रहे, ये भी अभी मुद्दा बनता रहा है। बहरहाल, राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की समझदारी के आलोक में हमें ठंडे दिमाग से इन मुद्दों की जांच परख करने में समर्थ होना चाहिए। क्या वंचितों की सहायता की योजनाएं न्याय सिद्धांत की कसौटी पर खरी मानी जा सकती हैं? अगले खंड में हम सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो रॉल्स ने तर्क दिया है कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों को सहायता देने की जरूरत स्वीकार करने के लिए बेशक युक्ति संगत उचित हो सकता है। इसमें आप लोगों को खुद देखना होगा कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, किस मामले में आपको लगता है कि यह न्याय नहीं है हमारे साथ, किस मामले में लगता है आपको कि न्याय ये सही बात है। और रॉल्स रॉल्स का हम लोग न्याय सिद्धांत देख लेते हैं। एक और कर सकते हैं आप लोग, जब आंसर राइटिंग कर रहे हो, जो इनके रॉल्स का न्याय सिद्धांत है, बाकी लोगों के जो भी सिद्धांत रहे हैं, जो भी बातें रही हैं, उन्हें आप लोग जरूर डाल सकते हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है? इससे क्या रहेगा, एक तर्क रहेगा आपके पास, एक पॉइंट रहेगा कहने के लिए, समझ रहे हैं? कहीं भी आप लोग इस तरह की बहस भी करते हैं मुद्दों पर, तब भी आप मुझे लगता है कि बेहतर कर पाएंगे, ठीक है? यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किसी किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः भी ऐसा समाज चुनेंगे जिनके जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया कर सके। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे अपने निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली जिंदगी और मौकों को प्रभावित करने जा रहा है। वस्तुतः माता पिता से यह आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है, इसलिए इसके बारे में सोचें और सहयोग दें। लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियादी बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। तो हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष हो और न्यायसंगत हो, सही हो और एक तरह से न्याय हो? जॉन रॉल्स के ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने का की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी। अर्थात, हम नहीं जानते हैं कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, धनी होंगे या गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे। रॉल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम कि इस मायने में कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। और मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को कि किसी भी समस्या का अगर समाधान करना है, आपको लगता है कि ये गलत है, तो उस
प्रॉब्लम की जगह अपने आप को रखिए, उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रखिए। आपको लगता है कि आरक्षण गलत है, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है बैंक में आप गए हुए हैं वहां महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के लिए अलग लाइन लगी हुई है या बुजुर्गों के लिए अलग लाइन लगी हुई है, तो आप कहें कि ये न्याय नहीं है, अन्याय है, तो आप उनकी जगह अपने आप को देखिए और सोचिए कि आपकी स्थिति क्या रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग? या आप कहीं भी अन्याय हो रहा है, कहीं किसी महिला के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वहां अपने परिवार के मेंबर को आप लोग रख के देखिए, अपने आप को रख के देखिए कि क्या करते उस समय, अगर उस परिस्थिति में आप होते तो क्या कर सकते थे। मुझे लगता है तब आप बेहतर सोच भी सकते हैं और बेहतर अनुभव भी कर सकते हैं। एक कहते हैं ना कि अच्छी बात कहते हैं कि वो दूसरे की समस्या हमें मजाक लगती है, लेकिन जब हमारे ऊपर वही समस्या आती तब हमें पता चलता है कि हकीकत में क्या था। समझ रहे हैं? रॉल्स ने से अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे। चूंकि कोई नहीं जानता है वह कौन होगा, उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के समान यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपयोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उसका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जहां वैसा कोई अवसर ना मिले तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में कम काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से देखेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हों, चाहे वे उच्च वर्ग के हों या ना हों। और यहाँ सीधा सा कहने का मतलब इनका यही है कि आप सोचिए कि उस स्थिति में आप सोचिए कि ठीक है, आप ऐसे परिवार में जन्म लिया है आपने कि सब कुछ सुविधा आपके पास है, स्कूल जाने के लिए VIP कार है, आप सोचिए अगर आपको बुखार भी जाए, सर्दी भी हो जाती है तो आपको VIP हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तब आप यहाँ वकालत करें कि ये ऐसा है वैसा है, ये गलत हो रहा है जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, तो उनकी जगह अपने आप को रख के देख लीजिए, तब आपको क्या लगता है, क्या तब भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है। ठीक है? बेशक अपनी पहचान को विस्तृत करना और अज्ञानता के आवरण में खड़ा होने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए यह भी उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने और अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्याग को वीरता से जोड़ते हैं। इन मानवीय दुर्बलताओं और समान सीमाओं के मद्देनजर हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाइयों की जरूरत ना रहे। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से समान रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है, उन्हें से अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि जब वे अज्ञानता के आवरण में रह कर चुनते हैं तो वे पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति में से ही सोचना उनके लिए हितकार होगा। आप यानी कि सबसे बुरी स्थिति में रहकर ही सोचना उनके लिए हितकार होगा, वही एक तरह से न्याय भी होगा। समझ रहे हैं? मैंने सुना है कि न्याय में देर होना अंधेर होगा, और लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देर से होता है तो हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से कोई लाभ नहीं मिल सके। क्या ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फायदा है जिसका फैसला मरने के बाद आए? आप लोगों ने देखा होगा आज भी होता है, क्योंकि देखा आपने कोई कांड हुआ है, कहीं भी इस तरह का मामला हुआ है, किसी ने उसका नाम भी जुड़वा दिया है, वो जेल गया हुआ है, और आप जानते हैं न्याय व्यवस्था में कितनी देरी लगती है हमारी। और एक तरह से न्याय व्यवस्था को भी आप कहा जाने लगा है कि अमीरों के लिए है, क्योंकि एक गरीब अगर जेल जाता है तो वो 7 से 8 साल निकाल देता है, और बाद में उसे मालूम चलता है कि वो तो निर्दोष था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। अभी कुछ ऐसे ही मामले आप लोगों ने देखा है, एक महिला के साथ बलात्कार होता है और उसका जब केस का निर्णय आता है तो उस महिला को मरे हुए 10 साल गुजर चुके थे, उसका क्या मतलब रहा है, उसके लिए न्याय मिल पाया? समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे ही मामले देखे हैं कि एक 20-25 साल जेल काटने के बाद उससे कह दिया कि वो तुम निर्दोष थे, उस पर क्या गुजरी होगी, उसे भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है? अज्ञानता का कल्पित आवरण उड़ना उचित कानूनों और नीतियों की प्रणाली तक पहुंचने का पहला कदम है। इससे यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ में मद्देनजर चीजों को देखेंगे, बल्कि ये भी यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनका द्वारा निर्मित नीतियां समग्र समाज के लिए लाभप्रद हों। दोनों चीजों को साथ साथ चलना, चूंकि कोई नहीं जानता है कि वे आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे,
इसलिए हर कोई ऐसे नियमों चाहेगा जो अगर वे सबसे बुरी स्थिति में जीने वाले किस बीच पैदा हों तब भी उनकी रक्षा कर सकें। लेकिन उचित तो यही होगा कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वाले बालों को कमजोर ना बना सकते, क्योंकि यह संभावना भी हो सकती है कि वे खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में पैदा हों। इसलिए सभी के हितों में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से संपूर्ण समाज को फायदा होगा होना चाहिए और किसी एक खास हिस्से का नहीं। यह निष्पक्षता विवेक संबद्ध कार्रवाई का परिणाम है, ना कि परोपकार या फिर उदारता का। सीधा सा मतलब यही निकाल लीजिए, अगर आरक्षण के मुद्दे पर आपसे कोई कहता है तो आप एक शब्द में कह दीजिए कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण, कि जैसे हमारे पास सुविधा नहीं है तो हमें भी मिलना चाहिए, और वो दलित भी है एक तरह से, वो बिल्कुल निचली जाति का है तो उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए उसके पास अगर सुविधा नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए रॉस तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। और इस उदाहरण में हमारे पास पहले के से बना बनाया कोई लक्ष्य या फिर नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। यही विश्वास रॉल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय की पेशेंट को हल करने का महत्वपूर्ण और सबसे सबल रास्ता बना देता है। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय का अनुसरण। यहाँ पहले सबसे ये देख लेते हैं, विभिन्न सरकारी और संयुक्त राष्ट्र इकाइयों ने भोजन, आय और पानी जैसी सुविधाओं की न्यूनतम आवश्यकता की गणना की है। अपने स्कूल के पुस्तकालय या इंटरनेट से ऐसी गणनाओं की खोज कर सकते हैं। यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इनके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वाले तथा बहिष्कृत और वंचितों के बीच गहरा स्थायी विभाजन मौजूद है तो हम कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय का अभाव है। हम यहाँ सिर्फ समाज में विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन के सिर्फ विभिन्न स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन और के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एकरूपता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समाज को न्याय अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहाँ धन धनी और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लगें और जहाँ अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका ना मिले चाहे वे कितना भी कठिन श्रम क्यों ना करें। दूसरे शब्दों में कहें तो न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सकें, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें और इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को कि देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो मुद्दे तो ऐसे हैं कि ये सबको फ्री होने चाहिए। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे सुविधा मिले ना, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे इस तरह की शिक्षा फ्री हो बिल्कुल, या इतनी हो, इतनी मतलब उसके लिए सहूलियत होगी वो आराम से इसे पा सके। समझ रहे हैं? आज आप देखिए कि किसी बच्चे को यानी कि जो आर्थिक स्थिति जिसकी बिल्कुल खराब है उसका मन है कि हम आईएएस बनना चाहें, उसका मन है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, तो आप सोचिए कि क्या उसके लिए संभव है, क्या उसके लिए उसके हिसाब से ये न्याय है उसके साथ। समझ रहे हैं आप लोग? तो उन्हें भी कुछ ऐसी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो न्यायोचित है, और इस तरह के निर्णय भी समय समय पर आते रहे। लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी स्थितियों का निर्धारण हम कैसे कर सकें? और विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके इजाद किए हैं, लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये एक तरह से बुनियादी यानी कि जरूरतें हैं। न्यूनतम लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। हालांकि सभी नागरिकों के लिए बुनियादी संतों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे देश में गरीब जहां गरीबों की बड़ी तादाद है, सरकार पर भारी बोझ बन सकती है। और मैं सोचता हूँ कि सरकार ये हजार योजनाएं लाने का क्या मतलब है जब वो नीचे के ये क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रही है, निचले तबके तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कहता हूँ कि हमेशा शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए। अब आप सोचिए कि मनरेगा आपको एक अच्छी योजना है, लेकिन गांव में आप लोगों को देखते हैं कितने लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने देखा एक गांव में कि वृद्धाश्रम पेंशन मिलती है, विधवा है पेंशन मिलती है उन्हें, लेकिन वहां मैंने एक आरटीआई डाली, वहां जो भी मैंने देखा ना के बराबर लोगों को मिल रहा था। या तो उस व्यक्ति के पास, उस महिला के पास, एक तरह से पुरुष हो जो भी हो, उन्हें या तो
सर्टिफिकेट जो भी कागजात चाहिए वो बनवाने के लिए पैसा नहीं है। या सरपंच साहब इतने अच्छे नहीं है, सेक्रेटरी या सचिव साहब इतने अच्छे नहीं है कि वो हर महिला के पास जाए और हर व्यक्ति के पास जाए और कहे कि तुम्हारी समस्या क्या है, या फिर कहे कि ये योजनाएं आई हुई हैं लीजिए आप लोग, आपके पास आए। अगर ऐसा होता तो हमारा समाज बहुत आगे होता। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको कम से कम पढ़ना मतलब आपके लिए जरूरी है। आपको अपने अपने लिए मालूम तो होना चाहिए कि हमें सरकार ने क्या दिया है, हमारे लिए कौन सी योजना आई हुई है। अभी आप गांव की तरफ कहीं भी उठा के देख लीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कोई भी एक तरह से आप ITI डालिए और निकलवाइए, वहां देखिए आप लोग कितनी असमानता है। समझ रहे? तो इस तरह वो शिक्षा स्वास्थ्य मुझे लगता है कि ये सुविधा दी जाती है तो हर व्यक्ति अपने आप पर पैरों पर खड़ा हो जाएगा और अपना उसे सरकार की भीख की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरह से किसी की आपको मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। और सरकार पर भी बोझ नहीं बनेगी, सरकार की हो सकता है मदद ही करें एक तरह से। अगर हम सब इस बात पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे वंचित सदस्यों की मदद करनी चाहिए जिसमें वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सकें, तब भी इस बात पर असहमति असहमति हो सकती है। इस लक्ष्य को पाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है कि क्या मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज की सुविधा प्राप्त सदस्यों को नुकसान पहुंचाए बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा, या फिर गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। हमारे देश में इन भिन्न भिन्न प्रस्तावों का भिन्न विभिन्न राजनीतिक समूह समर्थन भी कर रहे हैं, जो ग्रामीण या शहरी गरीब जैसी सीमांत समूहों की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं की तुलनात्मक गुणवत्ता गुण दोष पर बहस करते हैं। इस खंड में हम संक्षेप में इस विवाद की परख करेंगे। एक बात और आपको बताऊं, आप खुद सोचिए कि हमारे में एक तरह से बहुत युवा जनसंख्या है। हमारे देश में इस समय हम लोग युवा एक तरह से हमारी हमारी जिंदगी है, एक तरह से जनसंख्या सबसे ज्यादा है। आप सोचिए, एक तो आपके पास ही है ऑप्शन कि इन्हें एक तरह से बेहतर शिक्षा दीजिए, बेहतर स्वास्थ्य दीजिए, बेहतर प्रशिक्षण दीजिए, तो आप इनसे फायदा ले सकते हैं और अपनी GDP में अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका चीन ने काफी फायदा भी उठाया है अपनी जनसंख्या का, युवा होने का। लेकिन हमारे पास इस तरह की अभी कोई नीतियां दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। समझ रहे हैं आप? और आप या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उन्हें रोजगार भत्ता देते रहिए, आप उनके लिए ये रोजगार ले आइए कि 5,000 कोई रोजगार 5,000 का रोजगार भत्ता दे रहा है, कई सरकारों में आप देखते रहते हैं। अरे भाई, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवा दीजिए। समझ? तो इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा, उन्हें भी फायदा मिलेगा और वो एक तरह सम्मान की जिंदगी भी जीना पसंद करेंगे। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप की अगर बात करें तो मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिभा मिलेगा जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। उनकी मानता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्यायसंगत हो और न्यायपूर्ण हो। एक बात और आपको बताता हूँ, आप लोगों ने कुछ समय पहले न्यूज़ में सुनी होगी, अभी भी सुनते रहते हैं कि एक दलित के व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, यानी कि उसे शादी में घोड़े का उपयोग नहीं करने दिया, नहीं बैठने दिया गया एक अच्छी जाति द्वारा। मैं किसी का विरोध किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आप अपनी जगह पर सही हैं और मैं अपनी जगह पर, लेकिन मैं ऐसी मान्यताओं को पर भरोसा नहीं करता, मेरे लिए सब बराबर है। तो क्या उसकी जगह अपने आप को देखिए, उस जगह आप रख के क्या सोचते, क्या आपके दिमाग में तर्क आ रहे होते, वितर्क आ रहे होते, तो ये भी हमें देखना होगा। ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में, संविधान की एक तरह से आप कहिए कि पिताजी हैं। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण कर सके। इससे इसको तथ्य को भी आप लोग एक तरह से वक्तव्य को भी जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं डाल सकते हैं भीमराव के। ठीक है, और आप सभी इनकी बायोग्राफी पढ़िए, जब भी आप लोगों के पास टाइम रहा करें आप लोग बायोग्राफी एक तरह से आत्मकथा खरीद लिया करिएगा। गांधी जी के बारे में पढ़िए आप लोग, विवेकानंद के बारे में पढ़िए, मैं तो कहता हूँ विवेकानंद के बारे में जरूर पढ़िए,
भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में पढ़िए आप लोग। आजकल तो वैसे भी आप लोगों को बहुत सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं, यूट्यूब पर ही उनके बारे में जिंदगी में बहुत कुछ बता चुके हैं, ठीक है। हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक आए आज पूर्णतः आप प्रतिबंधित बाजारों का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग अब कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे, मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करें ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकें। लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा ऐसी अन्य सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम करें तो ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीतियां इस सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें। राज्य के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि वह उन वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करें जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे राज्य की भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक ही सीमित रहनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों के बीच जबरदस्ती और अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिद्वंद्विता सुनिश्चित हो। उनका मानना है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होगा। कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या फिर धर्म की परवाह नहीं करता है, वह यह भी नहीं देखता है कि वह आप मर्द हैं या औरत हैं, वह इन सब से निष्पक्ष रहता है। उनका सरोकार आपकी प्रतिभा और कौशल से है। अगर आपके पास योग्यता है तो बाकी सब बातें बेमानी। एक उनके लिए एक तरह से इसे आप लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी कहिए आप लोग, कि वो केवल आपकी प्रतिभा को देखेंगे, आप में कितना एक तरह से कौशल है, आप कितने चतुर हैं, एक तरह से आप कितने सक्षम हैं, समझ रहे हैं? वही उनके लिए जरूरी रहता है और यही बाजारीकरण का एक तरह से नुकसान भी है। इसे बेहतर आप देख सकते हैं कि प्राइवेटेशन की बात की जा रही है, निजीकरण। क्या आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? ठीक है, देखिए फायदा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। एक खास तबके को फायदा मिल सकता है, एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है निजी हाथों की है, किसी मुकेश अंबानी या किसी की भी ले सकते हैं आप लोग, तो उसमें बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आप लेट होते हैं तो आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपको बेहतर खाना दिया जाएगा, बहुत जल्दी आपको पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसका किराया है 25,000। मान लीजिए आपको कहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है, उसमें आपको 25,000 लग रहे हैं, क्या वो सबको ही अफोर्ड कर सकता है? यानी कि सब उसका किराया दे सकते हैं, सबके लिए वो सुविधा उपलब्ध हो सकती है, तो ये गलत भी है। आप लोग सबको बराबरी में लाकर रखिए, उसके बाद आप प्राइवेटेशन का सपोर्ट भी करिए। और देखिए प्राइवेट सही भी है, कुछ आप कर सकते हैं, कुछ बेहतर ट्रेन इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन एक तबके को भी, दूसरे तबके को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाजारी वितरण के पक्ष में एक तरह की यह भी दिया जाता है कि यह हमें ज्यादा विकल्प प्रदान करता है। इसमें शक नहीं है कि बाजार प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें ज्यादा विकल्प देती है। हम जैसा चाहें वैसा चावल पसंद कर सकते हैं और पसंदीदा स्कूल जा सकते हैं, बशर्ते उनकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास साधन हो। लेकिन बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं लोगों को के खरीदने लायक की कीमत पर उपलब्ध हो। और सरकार का यही काम रहता है कि इस तरह उनकी सेवाएं उपलब्ध कराई जाए कि हर वो निचले तबके का जो पिछड़ा हुआ है उस तक वो भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। यदि निजी एजेंसियां इसे अपने लिए लाभदायक नहीं पाती हैं तो वे उस पर खास बाजार में प्रवेश नहीं करेंगी अथवा सस्ती और घटिया सेवाएं मुहैया कराएंगी। यही वजह है कि सुदूर ग्रामीण इलाके में बहुत कम निजी विद्यालय हैं और कुछ खुले भी हैं तो वे निम्न स्तरीय हैं। स्वास्थ्य सेवा, आवास के मामले में भी सच यही है। इन परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और ये न्यायोचित भी है, समझ गए? मुक्त बाजार और निजी उद्यमों के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला दूसरा तर्क यह है कि वे जो सुविधाएं मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्रया बेहतर रहती है, यानी कि ये भी सही बात है, लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों की पहुंच से बाहर कर दे सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। निजी व्यवसाय वही जाना चाहते हैं जहां उसे सबसे ज्यादा मुनाफा मिले, और इसलिए मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हितों में काम करने को प्रवृत्त होता है। इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना ही हो सकता है। आप देखिए निजीकरण में ये सही बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आपका 2 दिन में 3 दिन में आप फ्री हो जाएंगे, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके पास हो। एक तरफ आप सरकारी हॉस्पिटल में देखिए,
आप सबसे पहले एक फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा, और मालूम चला कि नंबर आने से पहले ही वो मरीज जा बसा भगवान को प्यारा हो चुका है, तो क्या ये न्यायोचित है? समझ रहे हैं? आप सोचिए कि एक स्कूल प्राइवेट है, उसकी कीमत है 1 लाख रुपए महीने, तो ठीक है आपके पास तो पैसा है, तो आप तो अफोर्ड कर सकते हैं उसके अपने बच्चे के लिए स्कूल, मतलब शिक्षा दिला सकते हैं। लेकिन जो आपके पास झोपड़ी में रहता होगा, क्या उससे की उम्मीद की जा सकती है? क्या वो उससे एक तरह से पिछड़ा नहीं रहेगा? दिल्ली में आप देखिए, एक तरफ आपको बड़ी बड़ी झोपड़ियां देखने को मिलेंगी, आपको अपने ही शहर में देखने को मिलेंगी, दूसरी तरफ आपको झुग्गी झोपड़ियां देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े महल एक तरफ, बड़ी मतलब उनकी गंदगी की जीवन आप देख सकते हैं, वहां अपने आप को रखने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप लोग, इतनी अव्यवस्था है। तो क्या सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। इसी वजह से अनेक लोग तर्क करते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। मैंने हमेशा बोला है ना आप लोगों की, इस पर कितने भी तर्क वितर्क किए जा सकते हैं, दोनों पक्षों में घंटों सालों बहस चलती आई है और चलती रहेगी, इसके निष्कर्ष पर ना तो पहुंच सके हैं और ना ही पहुंचना संभव है। इसलिए बेहतर यही है कि आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अपना पक्ष लिखें, उसका पक्ष लिखें, लास्ट में एक निष्कर्ष दे दें। समझ रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना है कि एक सिक्का लिया उसका आपने बता दिया चित है ये, तो इसमें एक ही पक्ष आपने दिखा दिया है, ये तो गलत है। तो आपको दोनों पहलुओं को बताना होगा, ठीक है? इसलिए आप देखते हैं कि पक्ष में सकारात्मक पॉइंट लिखते हैं, नकारात्मक पॉइंट लिखते हैं, लास्ट में आप क्या कहते हैं, निष्कर्ष लिख देते हैं, मूल्यांकन कर देते हैं उसका, ठीक है? लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमतियां अपरिहार्य हैं और फायदेमंद भी हैं, क्योंकि वे विभिन्न हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच परख करने और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती हैं। वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच राय निकालने का ये दूसरा नाम राजनीति है। हमारे अपने देश में अनेक किस्म की सामाजिक आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन में हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने और न्याय के अनुकरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने में मदद मिलती है। यहाँ भी कुछ पॉइंट है, इसे भी देख लीजिए। न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना ना सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर बातौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति व्यक्ति विशेष हमसे दावा जाता जाता सकता है, ये J.S. मिल ने कहा है। इस तरह के पॉइंट भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं जब भी आप सर राइटिंग कर रहे हैं। तो इस पर निष्कर्ष ना तो आपको मिला है और ना ही मिलेगा। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? इसकी भी PDF आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है। तो ये था आपका 4वां अध्याय सामाजिक न्याय। आगे बात करेंगे अधिकार के बारे में, और याद रखिए इस पर कितनी भी बहस करती रही है, कुर्द तो कुर्द जो भी तर्क बेतर्क देना हो आप लोगों को देते रहिए, लेकिन आपको लगता है कि एक आप अगर पक्ष में होंगे तो दूसरा विपक्ष में होगा। आप लोग राज्यसभा TV कभी सुना करिए, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो राज्यसभा लोकसभा TV को फॉलो किया करिएगा, उसमें आपको विपक्ष में भी तर्क देखने को मिलेंगे, पक्ष में भी तर्क देखने को मिलेंगे, और इस पर राजनीति रोटियां भी राजनीतिक रोटियां भी सिकती रही हैं और सिकती रहेंगी हमेशा। बिहार के मुद्दों में आप लोग देखते होंगे और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश इन पिछड़े राज्यों में और ज्यादा इस मुद्दे को देखते होंगे। चलिए तो हम अध्याय 5 में मिलते हैं, तब तक एंजॉय करिए।